शहर शहर मिलावट जिहाद, कहीं थूक लगाकर मसाज किया जा रहा है तो कहीं यूरिन वाले पानी में सब्जियां धोई जा रही हैं, तो कहीं तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि जूस में यूरिन तक मिला दिया जाता है। आखिर देश में ये क्या हो रहा है? गाजियाबाद में खुशी जूस कॉर्नर, जिसका संचालक आमिर वैसे तो आपको बता दे जूस बेचने का काम करता था, लेकिन यूरिन मिलाकर लोगों ने इसको पकड़ा, इसकी पिटाई की और ऐसा ही कुछ कानपुर में भी दिखाई दिया, जहां पर नौशाद नाम का एक व्यक्ति सब्जी बेचता था, लेकिन उसने क्या किया, यूरिन वाले पानी में ये सब्जियां धोता हुआ नजर आया। कुछ दिनों पहले आपको बता दें हमने कन्नौज में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखी थी, यहां पर यूसुफ नाम का आरोपी थूक लगाकर लोगों का मसाज किया करता था। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि मिलावट जिहाद आखिर कब तक, किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है और आखिर ऐसी करतूतें क्यों की जा रही है, ऐसी हरकतें क्यों की जा रही है और खासकर एक विशेष समुदाय के लोग ही आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले कन्नौज, फिर नोएडा और अब गाजियाबाद। शहर शहर मिलावट जिहाद हो रहा है, कहीं थूक से मसाज हो रही है, कहीं थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो आता है और अब तो हद हो गई। गाजियाबाद में आमिर नाम के आरोपी ने जूस में लोगों को यूरिन मिलाकर पिला दिया। आमिर की दुकान से यूरिन की बोतल भी बरामद की और उसके बाद उसकी पिटाई भी की। ये तो रही गाजियाबाद की बात, कानपुर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। ये नौशाद है, सब्जी बेचने का काम करता है, लेकिन सब्जियों को वहां धो रहा है जहां लोग पेशाब करते हैं। लोगों ने उसे रोका भी, सुनिए। नाम बता दो, नाम व्यक्ति का पानी पाया है भैया। अरे नाम बताओ पहले तो अपन, नाम का है? नाम नौशाद है। एक बाल्टी नहीं रख सकते हो तुम वहाँ धोने के लिए नल पर पानी? कन्नौज में भी वीडियो वायरल हुआ तो वहाँ भी मोहम्मद यूसुफ नाम का आरोपी थूक लगाकर मसाज करता हुआ दिखाई दिया था। इससे पहले थूक लगाकर रोटी बनाने के भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या किसी साजिश के तहत इस तरह की घिनौनी हरकत की जाती है? आरोपियों की ऐसी कौन सी सोच है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें करते हैं? आखिर मिलावट जिहाद का मकसद क्या है? और अंत में सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसी हरकतें करने वाले विशेष समुदाय के ही लोग क्यों होते हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। स्टूडियो में कई मेहमान मौजूद हैं, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगी, शिवानी दुर्गा जी, ये कैसी ज़हनियत है? हर हर महादेव आप सभी को। ये विचित्र है देख के, मतलब ऐसा लगता है ये पूरा एक साजिश रची गई है। हर जगह जिहाद है। आपको मैं एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ, यहाँ मनाली में तो कचरा जिहाद भी होता है, हिमाचल में मेट्रो चल रहा है और यहाँ कचरा जिहाद भी होता है। हर जगह ये लोग अपनी गंदगी छोड़ने की जो इनकी मानसिकता है कि किसी भी तरीके से मनुष्य को जो सनातनी है इनको परेशान किया जाए, इनके यहाँ गंदगी की जाए, हम और किसी तरीके से अगर नहीं कर सकते तो इस तरह से करें, तो बेसिकली ये इनकी बीमार मानसिकता को दर्शाता है। एक व्यक्ति, एक महिला थी, मुस्लिम महिला थी, बिग बॉस में थी, वो थूक करके रोटी बनाती थी। अब ये बताइए, ये हर जगह इनको ये सिखाया जाता है कि आप इस तरह से करो, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो इस तरह से गंदगी करो। मतलब कोई खाना कैसे, किस कोई खाने के ऊपर थूक सकता है, या कोई कैसे जूस के अंदर? यही सवाल पूछ रहे हैं शिवानी जी, देखिए यही सवाल पूछ रहे हैं। हाजिक खान हमारे साथ मौजूद है, ये किस तरह की ज़हनियत है हाजिक जी, ये कैसी मानसिकता है? क्योंकि जो आदमी जूस पिला रहा है वो तो हर कौम के लोगों को जूस पिला रहा है। मैडम बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर मिलावट का ये मुल्क है, इसके अलावा दुनिया में कहीं भी मिलावट नहीं होती। ये वाइज मुल्क है जहाँ दूध में मिलावट है, यहाँ घी में मिलावट है, यहाँ मिठाई में मिलावट है, मिलावट है, यहाँ मेडिकल में मिलावट है। शिवानी जी खामोश रहिए, आपकी बारी आ जाए बोलिएगा, मैं बोल रहा हूँ मेरी बारी है। आप झूठ बोल रही थी, मैं खामोश था। आप झूठ बोल रही थी, मैं खामोश था। मैडम सुन लीजिए भैया, आप क्यों चिल्ला रही हैं? ठीक है शिवानी जी, बोलने दीजिए, बोलिए अपनी बात रखिए। मैडम ये शिवानी जी के बारे में बोला,
नहीं आप अपनी बात रखिए अभी हमारे मेहमान हैं। मिलावट का देश कैसे हो सकता है? मैं बता रहा हूँ, दवाई में मिलावट, घी में मिलावट, मिठाई में मिलावट, और सब्जियों में जो है यूरिया डल रही है उसमें तमाम चीजें डाल लें। इस देश में अगर मुसलमान करे या हिंदू करे, ये सब इंसानियत के खिलाफ है, चाहे कोई भी करे। एक ही संप्रदाय की विशेष सोच है और किसी की सोच नहीं। इस्लाम पाक ही कोई जानता है, आप नहीं मेरी मानेंगे बात। इस्लाम पाक से लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, जो भी हमारे देश में मिलावट करे। अमनगिरी महाराज जी, नाम आप देख लीजिए, नाम है आमिर, नाम है नौशाद, किस तरह का कृत्य किया जा रहा है? बयान दिखाइए ना, उसने करी है मिलावट, जवाब मैडम ये पूरी तरह से शर्मसार, वो जवाब देगा आप उसको, दिखाइए मांगने वाले को दिखा दीजिए। मैडम ये पूरी तरह से शर्मसार है, ये मुद्दा शर्मसार है, हमारे भारत की आत्मा पे प्रहार है जिस तरीके से ये मिलावट और ये कुकर्म हो रहे हैं। ये थूकना, ये चाटना, ये कूड़ा फेंकना, ये क्या कोई सीख है क्या? यहां क्या हमारे बीच में जितने मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, क्या इसे डिफेंड करने आए हैं क्या? इसकी इसके आज के समय में हमारे साथ हमारे सहयोगी गाजियाबाद से प्रमोद शर्मा भी जुड़ गए हैं। प्रमोद, ग्राउंड पर क्या माहौल है दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर तो सब लोग अपने अपने जो लोग हैं उनको क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं, लेकिन जरा ग्राउंड रिपोर्ट भी देख लेते हैं ना, ग्राउंड पर क्या कहा जा रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस जूस की दुकान को बंद किया गया था, ठीक हम उसके बाहर खड़े हुए हैं। खुशी नाम से ये दुकान चलाई जा रही थी और इसी दुकान के अंदर जूस के अंदर जो है वो यूरिन मिला के पिलाया जा रहा था, बाकायदा बरामद किया गया था, पुलिस ने वो सैंपल कलेक्ट किए हैं, आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसके नाबालिग बेटे को भी अप्रेहेंड किया है। कुछ लोग थे जो कि मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने आपत्ति जताई थी और दुकान की तलाशी ली थी, उसके अंदर से जो यूरिन एक बॉटल के अंदर बरामद हुआ था उनसे बात करते हैं। तो ये बताइए, जब आप लोग यहाँ पर आए थे तो कभी आपको था कि जो जूस के अंदर इस तरीके की मिलावट की जा रही है, जूस जिहाद फैलाया जा रहा है और पेशाब मिला के लोगों को पिलाया जा रहा है, हिंदू बाहुल्य इलाका है? ये हिंदू बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर इस तरह की खुशी के नाम से खुला हुआ था, सब सोचते कि हिंदू है, हिंदू तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, पर कहीं ना कहीं ये जिहादी मानसिकता के लोग थे जो अपना नाम बदल के यहाँ पर काम कर रहे थे। उनके जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो देखा कि यहाँ पर प्रमोद हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे मेहमान जुड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप देखिए कि कहीं ना कहीं अगर एक व्यक्ति विशेष समुदाय से एक जुड़ा हुआ आदमी जूस बेच रहा है, लेकिन पीने वाले हर कौम के लोग थे, जरा लोगों से बातचीत कीजिए ना वहाँ पर, किस किस कौम के लोग हैं, क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, यही तो सवाल सबसे बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं हम लोग। ये बताइए आप यहाँ पर जूस पीने आता है तो उसमें कोई धर्म देखकर तो जूस नहीं पीता होगा, हिंदू भी पीता होगा, मुस्लिम भी पीता होगा, दूसरे धर्म के लोग भी पीते होंगे, ये सोच क्या है कि इस तरीके का मिलावट करके जूस पिलाने? देखो ये एक बहुत बड़ा प्लानिंग है, बहुत बड़ा मिशन है, एक केवल इनका एक मात्र है कि हिंदू धर्म को उनकी आस्था को कैसे ठेस पहुँचाया जाए। ये अगर अपने नाम से खोल के बैठते कि आबिद के नाम से है तो हमारी एक मानसिकता बनती होती कि इनके अंदर सफाई नहीं होता, ये ऐसी कर सकते हैं हम थोड़ा सा, ये हमारे नाम से खोल के बैठते हैं, ये खुशी के नाम से, हिंदू के नाम से ऐसे खोलते हैं कि जो हम पहुंचते हैं और तुरंत। ये बताइए बलराम नगर में भी आप लोगों ने गए थे, वहाँ पर भी क्या कहते हैं दो वो मिले थे और क्या मिला था वहाँ पे, क्या बिरयानी मिली थी? वहाँ जब उसकी दुकान पे गए तो वहाँ के कुछ लोकल लोग थे, उन्होंने जब देखा तो उसको बोला कि भाई यहाँ पे क्या दिखा, तो वहाँ बिरयानी थी काफ़ी सारी, उसमें इतनी बड़ी मुर्गे की टांग भी थी। लगातार ये बात उठ रही है और कहा जा रहा है क्या वजह आ गई कि कभी यूरिन मिलाना पड़ रहा है जूस में तो कभी थूक लगाकर मसाज किया जा रहा है, कैसी मान सकता है ये? देखिए शिवांगी जी, सबसे पहले तो ये कि ये तमाम जो चीज़ें सामने आप दिखा रही हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस है, मुजरिमाना हरकत है, और इसको जिहाद कहना पर्टिकुलर कहीं एक वाकया हो गया कुछ हो गया, और ये चूँकि एक आप दिखा रही हैं, वरना ऐसा नहीं है कि इस तरीके की हरकतें जो हैं, शरारती तत्व जो हैं अनासिर हर जगह मौजूद हैं, कोई ये नहीं कह सकता, लेकिन उसको जिहाद बता करके और एक पूरा हंगामा खड़ा कर देना पूरे कौम को बदनाम करना और एक खास कौम के, एक मिनट मैं कह रहा हूं कि वो क्रिमिनल ऑफेंस है, मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन पूरे कौम के खिलाफ जिस तरह का एक के बाद एक नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर देश को और इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों को कहां ले जाने की कोशिश की जा रही है, क्या इसके पीछे मकसद है? या तो यह मकसद है कि आपसे कोई रोजगार पर बात ना करे,
आपसे कोई महंगाई पे बात न करे, आपसे कोई जो पीछे देश जा रहा है उस पे बात न करे। मेरा एक बड़ा सवाल है, रोजा खोलते वक्त भी जूस पिया जाता है, व्रत खोलते वक्त भी जूस पिया जाता है, ये जो कृत्य किया गया है इसको जस्टिफाई कर देगा तो कहीं सवाल ही नहीं खड़ा होता, कोई भी नहीं करेगा। ना तो इस समय रोजे हैं, इस समय सिर्फ हिंदुओं के पावन मास चल रहे हैं, खुशी नाम किनका है? हिंदुओं का। अगर हिंदू का नाम इतना ही पसंद है तो भाई हिंदू बन जाओ, हिंदुओं के नाम से हिंदुओं की बस्ती में जूस की दुकान खोलकर उसमें जूस की जगह आप लोग क्या क्या पिला रहे हैं वो लोग पता है, थूक की दुकान पे अब्दुल बेच रहा है, रोटी की दुकान पर थूक लगाकर अब्दुल दे रहा है, शोएब सब्जी बेच रहा है, आमिर जूस में मूत्र तो मिलाकर दे रहा है। आप ये बताइए, अगर ये सारी की सारी चीजें आप ये सारी की सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, वो क्रिमिनल, ये आपकी बात है, उस पे सजा होनी चाहिए। आप लोग यहां पर बैठकर तो निंदा करते हैं, अपनी मस्जिदों से शिक्षा दीजिए, अपनी मस्जिदों से शिक्षा दीजिए, अपने मदरसों में सिखाइए कि ये क्या सिखाया जा रहा है, ये क्या सिखाया जा रहा है, ये बारबरी की आप ठीक आप लोग सिखाते हो? ठीक है बताइए आप लोग, ठीक है ये हो कह रहा है, कह दूंगा मिर्ची के सबूत के साथ अभी मिर्ची लगा, अरे कह दो कितनी मिर्ची लगाओगे, देखिए ऐसे लड़ेंगे, ऐसे लड़ेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे लड़ेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे लड़ेंगे आप मैं सभी से आप सभी अपने बात से शुद्धिकरण करो, शुद्धिकरण करते हो आपका दिमागी दिवालियापन ये दर्शा रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, आप सभी से मैं गुजारिश करूंगी, आप सभी से गुजारिश करूंगी कि देखिए अब ये मुद्दा ऐसा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, चलिए 20 सेकंड हमें सवाल का जवाब दे दें कि जब ये किसी की शुद्धिकरण कराते हैं तो ये क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे शुद्धिकरण करते हैं हमें बता दे, ठीक है बता रहे हो ना अभी हमें बताओ। बिल्कुल, हमारे यहाँ शुद्धिकरण का ही प्रावधान है, क्या है सनातन का प्रारंभ ही शुद्धिकरण से होता है, जब बताओ। कोई भी कार्य करते हैं तो अपवित्र अपवित्र होगा, सर्वावस्था अपवित्र, हमारे यहाँ नारायण भगवान को याद करके शुद्धिकरण के बारे में सुनेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आजी खान साहब ये तो टॉपिक ही कुछ और चला जा रहा है, देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं और यहाँ पर क्या बात हो रही है, सारी स्वामी शैलेश जी देखिए उन्होंने कहा है कि जो बातचीत हो रही है उसको वो कह रहे हैं कि गलत है, आप क्या कहेंगे? अच्छा मौका तो दीजिए ना बोलने का, ऐसा है शुद्धिकरण की बात तो है ही है, यदि हम करने वाला हम एक बात एक बात हम बार बार कहते हैं कि ये शुद्ध और अशुद्ध की बात है, शिक्षा और दीक्षा की बात है, क्योंकि ये मानसिकता आई कहां से, क्योंकि जहां पर जिस घर में जो व्यक्ति अपने घर में चोरी डकैती या कुकर्म करना सीखता है वही समाज में इस प्रकार का कार्य करता है, तो ये मानसिकता पैदा कौन करता है, या तो माता पिता या शिक्षा देने वाले मौलाना मौलवी, यदि ये मस्जिद मदरसों में नहीं होता होता इस प्रकार से गंदगी यदि नहीं फैलाई जाती। चलिए ठीक है, शिवानी दुर्गा जी भी हमारे साथ है, शिवानी दुर्गा जी भी हमारे साथ है, शिवानी एक सेकंड रुक जाइए शिवानी दुर्गा जी यहाँ पर देखिए बातचीत चल रही है, अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पे कंडेम करने से लेकर अपनी अपनी बातें रखी जा रही है, मैं अपने सभी मेहमानों से कहूंगी कि आप एक सेकंड रुक जाइए, शिवानी दुर्गा जी आप क्या कहेंगे क्योंकि आपने सुना दोनों ही तरफ से लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, कोई कह रहा है कि चलिए हम निंदा करते हैं ये गलत किया गया है, कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप क्या कहेंगे क्योंकि आपने दोनों ही साइड को सुन तो लिया है, क्या कह रहे हैं ये लोग? जी जी देखिए अभी आपने एक चीज और बोली थी शिवांगी जी कि ये लोग सभी धर्मों के लोग वहां जाकर के जूस पीते हैं और सभी धर्मों के लोग वहां जाते हैं, ठीक है तो इनके धर्म में झूठा करके खाया जाना इनका संस्कार है जो सनातन का संस्कार नहीं है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके यहाँ पर झूठन खाई जाती है, एक ही पहले में आप कौन से सनातन की बात कर रही हैं? अरे देश में बड़ा सवाल ये उठता है कि आमिर को जब पकड़ा गया उसने माफी मांगी है, उसने कहा है कि मैंने ये कृत्य किया है, लेकिन आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई, बार बार यही बात हो रहा है कि इस तरह की ज़हनियत क्यों? हम ये कहते हैं हमारे देश के हिंदू भी सफाई के साथ रहते हैं, हम भी सफाई के साथ रहते हैं,
पाकी इस्लाम में आधा ईमान है, जो गंदगी करे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, जो दूसरे को धोखा दे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान का ये है कि हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे हिंदू बड़े भाई हमारे बड़े भाई हैं, हम हिंदुस्तान में रहने वाले 97% मुसलमान भी हिंदुओं से कन्वर्टेड, इससे हमारी रिश्तेदारी भी हो सकती है। इसलिए स्वामी शैलेश आनंद जी ये तो कह रहे हैं कि जो गंदगी करता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्या कहेंगे इस पे? हमारी संस्कृति मुसलमान एक प्रकार के तो होते नहीं है, बात हम मानते हैं, लेकिन ये सी मानसिकता को हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये भारत में जानबूझ करके जिहाद के नाम पर जो फैलाया जा रहा है ये एक लैंड जिहाद ये प्रक्रिया आज हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कितने दिनों से चल रहा है। ये षड्यंत्रकारी सोच ही है जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि एक जगह की बात नहीं है, दो जगह की बात नहीं, हर गांव, हर गली, मोहल्ले, हर शहर में ये कृत्य किए जा रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन साजिश कर रहा है? क्या कोई मदरसा है? क्या कोई मस्जिद है? क्या कोई मौलाना है? क्या कोई मौलवी है? कोविड के टाइम पे भी यही हुआ था, थूक मिला मिला कर खाना खिलाया गया। झूठ बोलना, झूठ बरसो, झूठ दिखाओ। ये जो काम है ये किसी सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। हिंदू भाई बहनों को बहुत जरूरी है तो जागरूक हो कि अपने किसी भी गली मोहल्ले पर पैदा हो उनको उनकी पहचान क्लियर करें। ये हम सरकार से भी प्रार्थना करेंगे, जो योगी जी ने किया था वो बहुत अच्छा किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम आग्रह करेंगे कि उसकी पुनर्वापसी की जाए। आप सभी ने अपनी बात रख ली। शिवानी दुर्गा जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है क्योंकि देखिए ये कह रहे हैं हाजी खान साहब, बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन इन सब के बीच ये जो घटनाएं हो रही हैं सामाजिक सौहार्द भी बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। इन सब के बीच जब इस तरह की घटनाएं होती है तो कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। जी, ये सत्य है कि हर कौम में, हर धर्म में हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन जब बात आतंक की आती है, जब बात जिहाद की आती है, जब बात कष्ट की आती है जो पूरे मास लेवल पर हिंदुओं को हो रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिम ही निकलते हैं। क्यों कोई हिंदू जाकर के इनके यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं डालता? क्यों मुस्लिमों की तरफ से ही जो है इस तरह की घटनाएं होती हैं? जब भी नाम आता है, अब देखिए आप वीडियो दिखा रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं, वो वीडियोस बने हैं, लोगों ने जाकर के उनको पकड़ा है, उसके बावजूद हाजिक साहब जैसे लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं होते। वो नेशनल क्राइम एक्शन लिया जाना चाहिए, और इसका जवाब कौन देगा और किस तरह से देगा ये भी देखना होगा, लेकिन हमारे तमाम मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज आप देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए।